नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लकड़ी के पाये वाला फोल्डिंग पलंग बनाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि चारों पायों में मैंने पोने का ग्रुप घेरा दिया है। इसके अंदर प्लाईवुड फंसेगी और हम इस चारों पाये को फिक्स करेंगे। तो अब चलिए इसकी प्लाईवुड भी कटिंग करते हैं। अब जो कॉर्नर मुझे राउंड करना है उसको मैंने सबसे पहले राउंड कर दिया है। अब डिज़ाइन जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कॉर्नर क्यों मैं राउंड कर रहा हूँ। तो मैंने जो हेडरेस्ट होता है और जो आगे का प्लाईवुड होता है उन दोनों को हमने यहाँ पर कॉर्नर को राउंड कर दिया है। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने कॉर्नर को राउंड कर दिया है और कुछ खांचा भी गिराए हैं जो कि उस पाए में जाके फंसने वाला है। तो अभी आप स्क्रीन पर आगे देखोगे कि हमने किस तरीके से उन पायों को इन प्लाईवुड के अंदर फिक्स किया है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो हमने यहाँ पर फेविकोल अच्छे से लगा दिया है और उसके बाद इनको फिक्स कर दिया है। और ये जो भी प्लाईवुड रेडी हो रहे हैं वो पलंग के आगे वाली प्लाईवुड हैं। तो हमने इसके दोनों साइड में पायों को फिक्स कर दिया है और सेम टू सेम इसी प्रोसेस से हमने जो हेडरेस्ट होता है उसमें भी इन पायों को फिक्स कर दिया है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं यहाँ पर फोल्डिंग चप्पलें लगा रहा हूँ और ये जो प्लाईवुड है यह साइड वाली प्लाईवुड है। जो हमने पाए लगाए थे वो आगे पीछे की थी और ये जो प्लाईवुड है वो साइड वाली प्लाईवुड है। तो इसके चारों साइड में हमने इस तरीके से ये फोल्डिंग चप्पलें लगा दिए हैं। उसके बाद इस चप्पले का जो दूसरा पार्ट होता है जिसको हमको दूसरी प्लाईवुड में फिक्स करना होता है, तो उसके लिए हमने किया कि जहां पर प्लाईवुड आने वाली है जिस तरीके से पलंग का स्ट्रक्चर बनेगा और जहां पर जो प्लाईवुड आने वाली है वहां पर इस प्लाईवुड को रखकर इस तरीके से हमने निशान कर दिया। तो हमको पता चल गया कि इसका जो दूसरा पार्ट लगने वाला है वो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन क्या है वो हमको पता चल गई। तो हमने इस तरीके से निशान किया और नंबर भी लगा दिया ताकि जहाँ का पाटिया जहाँ पर ही लगे। और फिर इस तरीके से हमने निशान करने के बाद उनको हमने फिक्स कर दिया। फिक्स करने से पहले जो हमने बीच में बड़ा होल गिराया है उसमें हमको एक होल करना होता है। तो हमने वो होल भी गिरा दिया इन सादे पानों की मदद से और उसके बाद हमने उनको फिक्स कर दिया। इस तरीके से सभी जो चप्पलें हमने फिट कर दिए और फिर इसके बाद पलंग को इसका रूप दे दिया, यानी कि पलंग को हमने एक दूसरे से पार्टे से अटैच करके पलंग को एक रूप दे दिया जो कि अब थोड़ा थोड़ा पलंग जैसा लगने लगा है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हमको ये पट्टियां मारनी पड़ी क्योंकि अब हमको यहाँ पर 12 mm की प्लाईवुड भी रखनी है और कुछ सपोर्ट भी रखने हैं। तो इसके लिए हमने ये पट्टियां मारी और जो ये खांचे आप देख पा रहे हो उनमें वह जो सपोर्ट आएगा वो इसके अंदर फंसने वाला है। तो चलिए फटाफट से अब इसका सपोर्ट भी हम यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने सपोर्ट का नाप ले लिया है और यहाँ पर मैंने अच्छा वाला लकड़ा यूज़ किया है जो कि मजबूत होता है। यह सागवान का लकड़ा है, इसको हमने कटिंग किया है, जो मेरा मेजरमेंट है उसके हिसाब से कटिंग कर दिया है और फिर हम इसको यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद दोस्तों यह तो जो बीच में खड़ा सपोर्ट है वह है, उसके बाद हमको आड़े सपोर्ट भी लगाने हैं। अब आड़े सपोर्ट में हमको साइड में तो
सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन बीच में सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको ये जो खड़ा सपोर्ट है इसके ही बीच में हमको कुछ ऐसा तिगड़म बिठाना पड़ेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कुछ इस तरीके का जुगाड़ लगा के जो बीच में जो सपोर्ट आएगा उसके लिए भी जो सपोर्ट चाहिए उसके लिए हमने यह सब किया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फेविकोल लगाकर मैं यहाँ पर इसको अच्छे से मजबूत करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा वेट इसी पार्ट पर आने वाला है। तो इसको हमने फेविकोल लगाकर खिल्ली भी मार दिया है और यहाँ पर हम स्क्रू भी लगा देंगे। हो सकता है कि वीडियो में आपको स्क्रू दिखाई ना दे, क्योंकि जब यह वीडियो मैं बना रहा हूँ तब मेरे पास स्क्रू अवेलेबल नहीं थे, तो इसके लिए मैंने स्क्रू बाद में जाके यहाँ पर लगाए। तो इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दिया ताकि आगे जाके मुझे फ्यूचर में यहाँ पर कोई कंप्लेंट देखने को ना मिले। तो यहाँ पर यह जुगाड़ रेडी हो चुका है, तो चलिए इसको फटाफट से डाल दिया है और ये जो छोटे सपोर्ट होते हैं उनको भी हमने इसके अंदर फंसा दिया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमने यह बनाया था वो कुछ इस तरीके से इसके अंदर फिक्स हो गया है, यानी कि सपोर्ट को इसने अच्छे से रेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर आपको इसके ऊपर चढ़कर भी दिखाऊंगा कि यह मजबूत है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने यहाँ पर प्लाईवुड लकड़ा पता नहीं क्या क्या करके यह जुगाड़ लगाया है, यह मजबूत होगा या फिर नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। दोस्तों जो मेन बताने लायक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं, अब डायरेक्ट चलते हैं इसका फाइनल लुक किस तरीके का दिखाई देने वाला है।